शनिवार को शहर के बिश्चान रोड पर एबीवीपी ने पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। वहीं घटना के आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री महिला होकर भी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। परिषद केंद्र सरकार से महिला चिकित्सक के साथ घिनौना कृत्य करने वाले अपराधी पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। अरे कोई नहीं, वीडियो बनाया सरकार हो, हां वीडियो ले लेंगे। होश में आओ, होश में आओ, ममता सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ममता सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ममता सरकार मुर्दाबाद, ममता सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहन हम शर्मिंदा है, हमारे साथ जिंदा है, वंदे मातरम। मेरा नाम श्रेया सेन है। आज जैसा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पश्चिम बंगाल में जो असामाजिक कृत्य हुआ है महिलाओं के प्रति, और निरंतर ये घटनाएं पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है कि पिछली बार जो आज से कुछ महीने पहले, कुछ समय पहले वहाँ पर संदेश खाली जैसी घटना हुई थी, जिसमें निरंतर पश्चिम बंगाल की सरकार का वहाँ के जो अपराधी है उन्हें सपोर्ट रहा, और उस सपोर्ट के कारण वहाँ के निरंतर अपराधियों का जज्बा बढ़ता ही जा रहा है, और हर कदम हर समय हमें वहाँ पर असामाजिक घटनाएं देखने को मिल रही है। आज हमारे समक्ष 9 अगस्त को हुई एक महिला डॉक्टर, जो कि डॉक्टर हमारे समाज की एक मूलभूत इकाई होते हैं, प्रत्येक वर्ग को संरक्षित करने का कार्य करते हैं, लेकिन उन डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ इस प्रकार की असामाजिक घटना होना बड़ा ही निंदनीय विचार है, और हम सभी को इस एक समाज और एक जागरूक समाज होने के नाते इस पर इसकी घोर निंदा करते हैं, और इस विषय को हम सरकार तक, पश्चिम बंगाल की सरकार तक और हमारी केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो असामाजिक घटनाएं निरंतर देखने को मिल रही है, और वहाँ की जो सरकार है, और खासकर वहाँ की जो महिला प्रधान, जो जनप्रतिनिधि है, जो जन सामान्य के द्वारा चुनी गई सरकार महिला का प्रतिनिधित्व कर रही है, जो वहाँ की मुख्यमंत्री महिला ममता बनर्जी है, वो महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है, लेकिन महिलाओं को संरक्षित रखने का कार्य बिल्कुल नहीं कर पा रही है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि वो जो कृत्य हुआ है 9 अगस्त को महिला डॉक्टर के साथ, उन्हें संरक्षण प्राप्त न करते हुए, उनके अपराधियों को संरक्षण न प्राप्त करते हुए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो, और वो जो उनकी पूरा अपराध है, पूरा जो केस है, ये सीबीआई जांच के लिए दिया जाए और इसे केंद्र सरकार के अंतर्गत रखा जाए, ताकि जो पूरी पारदर्शिता के साथ केस पूरे लोगों के सामने आ सके और महिला को इंसाफ मिल सके। जी, बंगाल की सरकार द्वारा जो अभी विगत वर्ष भी देखा गया और कुछ दिन पहले भी जो घटना हुई है कोलकाता में, जिसमें एक डॉक्टर नर्स के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार के बाद उसे हत्याकांड कराया गया, फिर भी पश्चिम बंगाल की सरकार उस विरोध में कुछ भी आवाज नहीं उठा जा रही है। तो विद्यार्थी परिषद विश्व में सभी दूर आज इस घटना के निमित्त आंदोलन एवं ज्ञापन प्रदर्शन कर रही है। क्या नाम है आपका? निर्मल चौहान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।